अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करना है। यूरिनरी सिस्टम जो है बेसिकली कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनीज़ पे। अब किडनीज़ का काम जो है वो एक्सक्रीशन का है, और मेन फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सक्रीशन, उसमें कौन सा आ जाते हैं? नेफ्रोन्स आ जाती हैं। ठीक है, बेसिकली नेफ्रोन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है फॉर किडनीज। अब उन्हें कहे द नेफ्रोन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विद रेनल आर्टरी विच लीव ईच किडनी विद रेनल वेन। यानी कि जो नेफ्रोन है उसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो किसके ज़रिए मिलती है? रेनल आर्टरीज के ज़रिए। रेनल आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो किडनीज को ब्लड देती हैं। एंड विच लीव ईच किडनी वे रेनल वेन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो कौन सी हैं? रेनल आर्टरीज हैं। और किडनी से दोबारा हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो किसके ज़रिए जा रहा है? रेनल वेन के ज़रिए। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज़ वेरी एविडेंट फॉर द फैक्ट दैट द वेट ऑफ द किडनी अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट वाइल रिसीव 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई विद ईच कार्डिक बीट। अच्छा, किडनी का जो वेट होता है वो लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी बहुत कम जो है वो किडनीज़ का वेट होता है। इसके अलावा हर कार्डिक बीट के साथ ब्लड जो किडनीज़ रिसीव करती हैं वो कितना है? 20%। Following filtration of blood and further processing through tubular system, urine is collected in the central cavity of kidney pelvis. यानी कि blood की filtration के बाद urine जो है kidney के pelvis में जो है collect होता है। urine leave the kidney through a duct ureter. यानी कि urine जो है kidney को leave करता है duct के ज़रिए, जिसको क्या कहते हैं? ureter. The ureter of both the kidneys drain into urinary bladder, यानी कि ये ट्रैक बताया हुआ है कि किस तरह से यूरिन जो है वो किडनी से किडनी के किस हिस्से में पेल्विस में कलेक्ट होता है, वहाँ से वो यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाता है थ्रू है यूरिथ्रल ओरिफिस। यानी कि जो ओपनिंग होती है ओरिफिस का, क्या है? स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं ओरिफिस। यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लेडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा विच एम्प्टी नियर द वजाइना इन फीमेल और थ्रू द पाइनस इन मेल। यानी यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होने के बाद बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा, ठीक है, जो कि मेल के अंदर ओपन होती है पाइनस, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वजाइना के अंदर। स्विंटर मसल नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड द ब्लेडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लेडर। स्विंटर मसल बेसिकली रिंग मसल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन, यानी जो जॉइन करता है यूरिथ्रा को और ब्लेडर को, वो कंट्रोल करते हैं यूरिन को ब्लेडर के अंदर। नीचे डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है वो दिखाया हुआ है, जिसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज है, एडर्नल ग्लैंड्स मेंशन हुए हैं, किडनी के ग्लैंड्स होते हैं ये। इसके अलावा रेनल आर्टरी और रेनल वेन को मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो ब्लड सप्लाई करती है रेनल आर्टरी किडनी को, और रेनल वेन के ज़रिए ब्लड जो है दोबारा किधर जाता है? किडनी से हार्ट की तरफ। इसके अलावा यूरिथ्रा जो है वो मेंशन हुए हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। यूरिन जो है वो किडनी को लीव करता है थ्रू यूरिथ्रा और वो आके कलेक्ट होता है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और बॉडी से बाहर निकलता है मेल के अंदर पाइनस के अंदर एम्प्टी होता है, फीमेल के अंदर वजाइना के अंदर एम्प्टी होता है थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड एज यूरिथ्रा।